हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने सुबह सुबह बनाया एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो बनाया है इडली, साथ में फ्रूट्स भी लिए हैं, सब कुछ आज हेल्दी है, पूरा एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है, संडे स्पेशल। तो ये रही हमारी ब्रेकफास्ट थाली, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और इडली है, नारियल की चटनी बनाई है। तो पूरी हेल्दी थाली बनाई है आज मैंने नाश्ते में। आज सारे काम सुबह सुबह कर रही हूँ। पहले अथू को थोड़ा पढ़ाने बैठाऊंगी, हिंदी के एग्ज़ाम है इसीलिए उसके, और साथ ही साथ काम भी करते जा रही हूँ, बर्तन लगाना। उसको मैं जितने चैप्टर आने वाले होते हैं उसका पेपर निकाल के दे देती हूँ, फिर वो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो कर लेता है उस तरह से। वैसे वो खुद ही पढ़ता है लेकिन बस ऐसे मैं उसकी हेल्प करती हूँ, पेपर निकाल के देती हूँ, फिर उसके लिए ईजी रहता है। बर्तन पड़े थे, मतलब पहले बर्तन लगा दूँ साथ ही साथ, तो ये भी काम होता रहेगा। सारे बर्तन लगाने, धीरे धीरे सारे बर्तन लगा दूँगी। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म सब साफ़ हो गया, नाश्ता करके आज सर्विस प्लेटफॉर्म और ये सब साफ कर। आज मेहंदी भी भिगोनी है बाल में लगाने के लिए, वो भी भिगोंगी। काफ़ी सारे सामने जासूद के फूल आए हैं तो वो लेके डालूँगी उसके अंदर, मेहंदी के अंदर। और मेहंदी से है ना बाल, एलोवेरा मैं डालती हूँ फ्रेश एलोवेरा, तो बाल मस्त हो जाते एकदम और शाइनी भी होते हैं। तो उसके अंदर एलोवेरा जेल और मेहंदी के अंदर दही, मेथी पाउडर और फ्रेश कड़ी पत्ता, ये सब डाल के भिगोती हूँ। ये पढ़ने बैठने के लिए मैंने कहा, बस आज लंच में बनाए सिर्फ दाल चावल और मस्त एकदम तीखी तड़के वाली बनाई है दाल। ये रे एकदम तीखी चटपटी सी दाल बनाई है, मस्त एकदम तीखी, बहुत सारा लाल मिर्च पाउडर डाल के। साथ में सेकूंगी पापड़ और छाछ, दाल चावल हो तो भी छाछ तो होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट हमने किया था, बहुत ही मस्त थी अम्मी, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बना था, इडली चटनी सब कुछ। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी तो कुछ हल्का फुल्का सा ही खाते हैं। और लेकर आई थी संतरे, संतरों की एक चीज़ बहुत ख़राब है कि वो दूसरे दिन ही ख़राब होने लगते हैं, और गर्मी ज़्यादा हो तो तुरंत ही ख़राब होने लगते हैं। तो आज इनका भी जूस बना लेना पड़ेगा, कल नहीं परसों लेकर आई थी, परसों के पड़े हैं। और कुछ कुछ अंदर एकदम ज़्यादा पीले होने लगे, फिर ख़राब हो जाते हैं। उसके आगे वाले भी पड़े थे तो उसके 5-6 तो ख़राब हो गए, तो फिर उनको फेंक दिए। और इसके अब शाम को हम लोग निकाल देंगे इसका जूस। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के, तो सुबह सुबह जितना 1-2 घंटे में जितना होगा उतना काम करूँगी, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही, मतलब ज़्यादा तो मेरा तो बाकी है नहीं वैसे, ज़्यादातर काम सारा मैंने कर लिया है। कबाट वबाट भी सारे साफ़ करके लगा दिए हैं, कुछ मतलब 2 कबाट जितने बाकी हैं, बाकी तो जो ज़्यादा मेहनत वाले थे वो सारे करके रख दिए। एक ऊपर का कबाट है जिसमें तो ज़्यादातर मैंने कहा सामान फेंकने वाला ही होता है, तो बस उसको साफ करना है निकाल के, और वापस जो काम का है वो रखना है, वो वाला काम है। और मेहंदी भिगोनी थी लेकिन कल छुट्टी तो मैं सोचा नहीं भिगोती आज, अब जब बच्चे स्कूल जाएंगे तभी भिगोंगी। जा रहे शॉपिंग के लिए और मैंने पहना है मस्त सुंदर, मेरा फेवरेट ऑल टाइम लखनवी कुर्तेज मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहा, इस तरह के मेरे पास सभी कलर है, सारे शॉर्ट जो जीन्स पे पहनने वाले कुर्ते ना, सभी कलर मैंने लिए, मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। और तो ज़्यादा तैयार नहीं होना है, ऐसे सिंपल सा ही कुर्ता पहना है, काफ़ी टाइम से इसको पहना ही नहीं था, तो चला आज इसको ये पहन लेती हूँ। आज तो निकले हिम्मत करके कि चलो आज करके ही आते, काफ़ी टाइम से पेंडिंग शॉप, वही है क्योंकि बड़ी साइज बहुत कम साइज भी, अथू के साइज़ की भी काफ़ी सारी टी शर्ट है, तो लेने गए अथू को, और बस अथू आएगा फिर उसको पहना के देख लेते कैसी है साइज़, परफेक्ट है कि नहीं है। काफ़ी टाइम लगा शॉपिंग करने लेकिन फाइनली हो गई सब, अथू की भी मत अच्छे से एकदम सारी शॉपिंग हो गई है। अथू पता है गाड़ी में ही कह रहा था कि अब आए हैं तो खाना खा के ही जाएंगे, ये देखो मतलब इतने सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है कि अब कंफ्यूजन हमको ये है कि कौन से रेस्टोरेंट में जाए और खाए। ये देखो दे भी है तो इन लोगों की डिमांड भी रहती है कि भाई बाहर निकले तो खा के ही जाएंगे। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये।
आगे हमारा फूड और हमने ऑर्डर किया है सीजलर, साथ में ड्रिंक मैंने मोई तो ऑर्डर किया है। ये अथु और ध्रुवी ये सारी शॉपिंग है। अभी धीरे धीरे सबके टैग निकालेंगे, सारे बैग्स में से कपड़े निकाल के, और बस आज शॉपिंग हो गई और डिनर भी हो गया हमारा। अभी घर आके जो भी सारे कपड़े लिए सबके टैग निकालेंगे, उसके बाद सबको धोने में डालेंगे। हम जब भी नई शॉपिंग करते तो हम ऐसे ही कपड़े नहीं पहन लेते, धोने के बाद ही पहनते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े जो भी शॉपिंग करते हैं वो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आज की ब्लॉग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।